हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं भाई माइनक्राफ्ट, और वापस से एक बार हम आ चुके हैं भाई वन ब्लॉक के सेकंड एपिसोड में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली सुबह भी यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा बोले ऐसा होता है। और भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इस वाले मोड में सुबह होने को, मतलब सेम ही लगता होगा बट भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है इसमें। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत ही सही, मतलब चारों तरफ से बहुत ही सही कंपाउंड वगैरह बना लिया है अपने एनिमल्स के लिए। और भाई मतलब हमने एक भी एनिमल अब तक गवाया नहीं है, और सारे के सारे एनिमल्स इकट्ठा कर रखे हैं भाई। और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है, क्योंकि भाई आप लोग साउंड सुन ही रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले चलते हैं और वापस से माइनिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बार हमारे पास थोड़े बहुत मतलब चीज़ें हैं अच्छी सी, देखते हैं भाई करते हैं अपनी माइनिंग स्टार्ट, और जल्दी हमें स्टोन भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। और ये देखो, और एक पिक की कमी थी तो वो भी माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक वालों ने पूरी कर दी है। अब साइड हट जाओ सालो, भाई साहब अभी कुछ नहीं कर सकते हमें इनको, मतलब कुछ लोगों को तो मारना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा हो चुके ये और जगह बहुत ही कम। ओ देखो वापस से, अबे यार चेस्ट में तो कुछ भी नहीं आ रहा था यार, ये दो तीन पेड़ वगैरह और वही कुछ सारा आते रहता है। तो अभी जल्दी जल्द बहुत सारी चीज़ें अपने को बनानी है। ऑलराइट, ओ भाई वापस से बहुत सारी लकड़ी, और लकड़ी तो अपने पास फ़िलहाल बहुत सारी है भाई। और टॉर्च भी एक आ चुकी है, टॉर्च मतलब अपने पास दो ही थी तो एक लगा लेते हैं। रुको अबे मैं बारी बारी वही मतलब नूब ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। ये देखो एक टॉर्च भी हमने यहाँ पे लगा दी है, इसको निकालते हैं साइड हेडो भाई। ओ भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेडरॉक आ चुका है वापस एक बार, मतलब अभी बायोम चेंज होगा या फिर कुछ तो चेंज होगा, स्टोन्स आएंगे शायद से, वो आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। ओके तो वुडी आया है, देखते हैं अभी बहुत सारे चेंजेस मतलब क्या चेंज आता होता है क्या नहीं। मेरे को तो वैसा कुछ चेंज लग नहीं रहा है। तो वुड अपने पास है फिलहाल बहुत ज़्यादा, तो उससे हम ये बना लेते हैं। ये देखो एक और बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा आता रहता है ये। और एक हम बना लेते हैं वुड की, अपनी एक्स बना लेते हैं। एक्स अपनी आ गई यहाँ पे। ओके तो गाइस बहुत सारी चीज़ें फाइनली हमने बना ली है, वापस से अपनी माइनिंग स्टार्ट। ओके तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शायद से जंगल बायोम वाली मिट्टी लग रही मुझे। और वापस से यार ये तो आ चुका है अपने को पहले, ये वापस से कैसे आ गया? अपने को वुड मतलब स्टोन चाहिए भाई, वुड क्या है, वुड तो बहुत सारे, स्टोन चाहिए स्टोन, क्योंकि उससे भी बहुत सारी ज़्यादा हेल्प हो सकती है वापस से। ये देखो ये अलग टाइप का वुड, अलग टाइप का मतलब देखा ही होगा आपने, इतना भी कुछ अलग नहीं है। साइड हट यार, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अपने को। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं की होगी भाई, ओ भाई हमने शेडर्स नहीं लगाया, रुको। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेडर्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, और इस वाले मतलब वन ब्लॉक में शेडर्स अच्छा लगता है और अच्छा चलता भी है भाई। साइड हटो भाई, अब बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं आप लोग, तो अभी फ़िलहाल अपने को ज़रूरत नहीं इनकी, बहुत कम ही ज़रूरत है। और ये देखो शेडर्स में क्या ही लगता है भाई, मज़ा आ जाता है मज़ा। अबे साइड हटो यार, सॉरी गौ माता को मार दिया मैंने गलती से, कुछ तो अलग चीज़ आ जाए यार, वही देखे जा रहा हूँ मैं बार बार ही। ऑल राइट गाइस, तो और थोड़े से पम्पकिन सीड्स अपने को मिल चुके हैं, बट उसका कुछ इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि पम्पकिन ही हमारे पास बहुत सारा पड़ा है भाई। हमें चाहिए भाई सिर्फ अभी सीड्स, मतलब अपनी नॉर्मल सीड्स, वीट की सीड्स, और चाहिए भाई स्टोन, बट ये तो मतलब आने का कुछ नाम ही नहीं ले रहा यार। ऑल राइट गाइस, तो जिस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा समय से इंतज़ार था वो चीज़ फाइनली आ चुकी है, वीट सीड्स हमें चाहिए थी भाई, और वो तीन सीड्स आ ही चुकी है भाई फाइनली, मतलब तीन ही हो बट आ तो गई भाई। तो अपना काम अभी थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, क्योंकि वीट से हमारे पास आ जाएगा भाई मतलब इन सब का फीड, फीड की मदद से हम इन सबको एक साइड से मतलब ला सकते हैं एक साइड में, तो वो हो जाएगा अपना काम। राइट गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मतलब हमने कितने प्यार से सारा सामान समेटा हुआ है यहाँ पर, और कोई मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गरीबी नहीं है भाई, चेस्ट हमारे पास बहुत सारी है बट अभी रखने के लिए जगह नहीं है। ब्लॉक्स वगैरह भी हमारे पास बहुत सारे आ गए यहाँ पे, आप लोग देख रहे हो। ये देखो भाई हमारे पास ग्रास ब्लॉक भी आ चुका है, मतलब ये भी हमें उसी से मिला था, और इसका क्या यूज़ है भाई, मतलब हमने अगर इसको मतलब तीन चार डर्ट मतलब बहुत सारे डर्ट्स के अंदर रख दिया तो उसके साइड वाली सारी डर्ट्स भी ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई बहुत सारी डर्ट, और हमें चाहिए एग्स। ओके उसके बाद हम ले लेते हैं थोड़ा सा वुड। ऑलराइट तो अभी चलते हैं। अब ये भाई इतनी जल्दी मतलब ये शेडर्स में रात का भाई अलग ही इफेक्ट आता है,
तो अभी इन सबको साइड करना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे गया भाई अपना? सबसे पहले हम बनाते हैं बहुत सारी ब्लॉक्स। ओके, इससे बनाएंगे हम बहुत सारी स्टिक्स। स्टिक्स थोड़ी बनाएंगे और हम बना लेते हैं थोड़े बहुत कंपाउंड और बना लेते हैं। ऑलराइट, तो इतने बहुत नहीं और बना लेते थोड़े से। तो इस वाले साइड हम लगाएंगे थोड़ा सा। उधर किसको भाई, उधर किसको, खिसक जा भाई। अबे यार, अभी मेरे को इनको थोड़ा सा पीटना ही पड़ेगा। भगो भगो यहाँ से भगो। ऑलराइट, तो ये जगह हमने इसलिए बनाया क्योंकि अभी इस तरफ कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से ये तोड़ने वाले हैं भाई। तो रुको, सबसे पहले अपन ही बैठ जाते वरना हम ही गिर जाएंगे नीचे। ऑलराइट, तो ये भी कलेक्ट कर लेते। ओके, तो इतना जगह हमने ये कर लिया कलेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे ब्लॉक्स, क्योंकि अपने को ये जगह बढ़ाना है गाइज। पूरा इस कॉर्नर को बढ़ा लेते हैं हम, सिर्फ एक कॉर्नर फिलहाल के लिए। ऑलराइट गाइज, तो ये अभी ये कैसे बनने वाला है इसका मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। अबे साले, ये सिर्फ मैं बनाते जा रहा हूँ और आप भी देखते जाओ भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही होगा जो भी होगा वो। तो सबसे पहले करते हैं अभी। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे दोनों तरफ से 7-7 ब्लॉक्स का मतलब जगह बढ़ा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मिंग करते हैं भाई, और फार्मिंग करने के लिए हमें चाहिए भाई वाटर। और वाटर तो मतलब यहाँ पे हम डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो सीधा नीचे चले जाएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो गाइज ये 1 ब्लॉक है। तो नीचे से हम ब्लॉक लगाएंगे मतलब वो भी बड़ी दिक्कत ही होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेते क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ पे रखते क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे हम बनाते भाई स्टेयर्स, क्योंकि अभी अपने को बनाने लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। और मतलब वन ब्लॉक जो खेलते हैं उनको दिमाग ही लगाना पड़ता है गाइज, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स काम नहीं आती। ऑलराइट, तो स्टेयर्स बना लेते थोड़ी सी, इतनी स्टेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ये अबे ऑलराइट, तो और एक चीज़ हमें बनानी चाहिए भाई, वो है वो अपना फार्मिंग का टूल, क्या बोलते हैं उसको। ऑलराइट, ये बनाना है अपने को, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा अपने काम, बहुत ही ज़्यादा क्या काम में तो आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे ना वो, तो यहाँ पे ये जगह बना, क्योंकि अपने पास 3-4 ही सीढ़ है, तो इतनी बड़ी जगह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबे यार, मैं अभी उस वाले साइड कैसे जाऊँ? तो सबसे पहले एक कुछ बना लेता हूँ, डोर टाइप कुछ। और राइट, एक डोर अपने पास आ चुका है फिलहाल, और यहाँ पे एक डोर लगा देता हूँ मैं। और राइट, अभी अपना काम थोड़ा सा ईजी हो चुका है, मतलब इस वाले साइड कोई आएगा नहीं, आएगा तो उस वाले साइड जा नहीं सकता। ओके, अबे यार घुसने का कुछ ज़रूरत नहीं अंदर। ऑलराइट, तो ये चेस्ट भी हमें जल्दी उस वाले साइड लेके जाएंगे। ओ भाई, अपने पास तो पहले से भी सीड थे, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। ऑलराइट, तो वो कहाँ से आई मेरे को अभी दिखा। पानी भी ले लेते, एक दो बकेट ले लेते फिलहाल। तो चलते हैं अभी उस वाले साइड वापस से। तो यहाँ पे लगाते हैं हम सीड्स। और राइट गाइस, तो अपनी वन ब्लॉक में भी एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है फार्मिंग की। पिछले वाले वीडियो में हमने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी अपनी एडवांसमेंट कंप्लीट की फार्मिंग की। तो वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो इधर आई बटन में डाल दूंगा, जल्दी से जाओ देख के आओ भाई, मज़े लो मज़े। आप लोग मज़े नहीं ले रहे हो यार। तो ये वाला ब्लॉक अपने को हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हम लगा। अबे यार, ये गलत लगा दिया, अभी ये वेस्ट हो जाएगा शायद से, क्योंकि वो नीचे कलेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये नीचे से लगाना पड़ेगा शायद। ओके, तो अभी सही हो चुका है। और ये लेते पानी, पानी अपने को डालना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अभी देखो भाई, मतलब ये इस वाले साइड में भी 7 ब्लॉक्स तक पानी लेके जा सकता है, इस वाले साइड मतलब सभी साइड, बट अभी अपने को इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इधर आगे चला जाएगा तो भी भाई अपना काम हो जाएगा, और अभी सिर्फ वेट करना है अपने को जब तक अपना ये आ जाता है। उसके बाद हम अपने सारे एनिमल्स को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और अपना काम बनता भाई, तो हो जाएगा अपना काम। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा तो अपना प्लांट आ चुका है, मतलब प्लान सक्सेसफुल है भाई। ओके, तो हम सक्सेसफुली इस वाली साइड आ चुके हैं वापस एक बार, और वापस से चलते हैं भाई अपनी माइनिंग पे। साइड में हटो भाई, भैया ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा समय के बाद वापस एक बार बेडरॉक आ चुका है, और इस बार देखते हैं भाई क्या आता है क्या नहीं, मतलब अलग मतलब आया हूँ ये स्टोन वगैरह आ जाए यार तो मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं अभी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, मतलब कुछ भी एक्साइटिंग हमें आया नहीं है, कुछ नया ऐसा वही घिसी पिटी पुरानी चीज़ें आई थी भाई। तो ये देखो अभी वापस से स्टार्ट हो चुका है,
ओ भाई साहब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली स्टोन भी आ चुका है भाई। और खुशी अभी क्या ही, पहला कोबा स्टोन अपने पास आ चुका है। और ये देखो भाई, भाई अपने एडवांसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट हो रही है फ़िलहाल। तो ये सब निकालते हैं और सही है भाई, कोल मतलब अभी स्टोन आ चुका है तो धीरे धीरे बहुत सारे ओर्स वगैरह भी आएंगे, बट हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और बहुत सारी माइनिंग भी करनी पड़ेगी भाई उसी के साथ। इंतज़ार और माइनिंग दोनों एक साथ करनी पड़ेगी। ओके तो फाइनली कोल भी आ चुका है और अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके अगले वाले एपिसोड्स तो भाई बहुत ही सही होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें आ रही है। अभी तक तो सिर्फ मतलब डर्ट वगैरह ही आ रहे थे। ओ भाई साहब, मतलब सिर्फ दो दो सेकंड्स के बाद बहुत ही सही सही चीज़ें आ रही है। देखो भाई साहब, शायद से आयन आ चुका है, शेडर्स की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, बट आई आयन ही है, देखते हैं अभी। ओ भाई, ये तो इससे मिलेगा ही नहीं शायद से, हमें एक ये बनाना पड़ेगा। रुको भाई, स्टोन की बना लेते हैं, वरना वो कलेक्ट नहीं होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। स्टोन अपने पास फ़िलहाल तो है, अबे रुको, ऑल राइट तो ये ले लेते हैं भाई, इससे काम करना पड़ेगा वरना भाई दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। ये वो कलेक्ट नहीं होगा तो भाई, ओ भाई आयन नहीं है शायद से, क्या है मेरे को देखने दो, एक मिनट रुको। रॉ आयन है भाई शायद, मतलब ये अपडेट वाली चीज़ें है सारी। बहुत समय से मतलब ये वुड की चीज़ें यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से ये स्टोन की भी बहुत ही सही लगने लगी अभी। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब कौन आया भाई। और ये मशरूम, क्या बोलते हैं इसको, मशरूम काऊ वगैरह कुछ तो बोलते हैं, और मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब वीडियोस वगैरह में देखा है और मतलब पूरे मेरे माइनक्राफ्ट केस में ये पहली बार ही आया है वन ब्लॉक में वो भी। और बहुत ही सही भाई, अभी नहीं अभी मतलब मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट पहले बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा था, क्योंकि वही वही चीज़ें आ रही थी। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आ चुकी है भाई अभी तक तो। तो ये देखो, ये अभी क्या है, ये भी स्टोन ही है शायद से। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो दो मशरूम काउज यहाँ पे आ चुके हैं। इनका नाम मेरे को मतलब पूरा पता नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा ही उनको देख के बोल रहा हूँ, मशरूम काउज या फिर जो भी बोलो। और वो देखो भाई, सब दो दो आ चुके हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले अभी हम अपने लिए एक बेड बना लेते हैं भाई, तो इनकी अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने को। ओके तो अपना बेड अभी बन चुका है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड का सबसे पहला बेड अपना रेडी हो चुका है, तो अभी चलते हैं उस वाले साइड, क्योंकि यहाँ पे बेड लगाना मतलब मूर्खता से कम नहीं होगा भाई। अभी यार ये इतनी ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं यहाँ पे, हट जाओ भाई। अबे यार, ओ भाई साहब, यहाँ पे भीड़ देख रहे हो आप लोग। अभी एक काम करते हैं, उस वाले साइड चले ही जाते हैं, जो भी आएगा। ओके तो कोई भी नहीं आया, बहुत सही। और ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा है, और ये देखो पानी बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं अपना बेड, सबसे पहला बेड। राइट, ओ भाई और दो सीड्स अपने पास आ चुकी है, वो भी लगा देते हैं। आई नहीं भाई, वो पहले से ही है, मैं भूल गया था शायद से। अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, इनको भी यहाँ पे लगा देते हैं अभी। रुको, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है अपने साथ। अच्छी खासी सीड्स में मतलब आधा होगा पेड़ मैंने निकाल दिया यार। ऑलराइट, तो अभी जितनी भी अपने पास सीड्स थी वो सारी की सारी हमने लगा दी है, और ट्रेजी का टी बना दिया है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, आज के एपिसोड में हमने भाई मतलब ज़्यादा कुछ बिल्ड नहीं किया, बट बहुत सारी माइनिंग की, और माइनिंग के साथ हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें मिली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोबाल्ट स्टोन मिला हमें, और ये एंडेसाइट भी मिला, रॉ आयन भी मिला, और कोल भी मिल चुका है भाई। तो सबसे पहले अभी हम ये एक और चीज़ बना लेते हैं भाई, अपने पास कोबाल्ट स्टोन आ गया और कोल आ गया, तो मतलब हम ये तो बना ही सकते हैं। अबे यार ये क्या बना दिया मैंने, गलत बना रहा हूँ मैं। और राइट, ये बनाना था मेरे को, फर्नेस भी हमने बना लिया है गाइज। तो फर्नेस को अभी सबसे पहले एक चेस्ट हम लेते हैं, चेस्ट को रखते हैं यहाँ पे। अभी इसमें रखेंगे सारे के सारे ओर्स अपने, शायद से हम वुड यूज़ कर सकते हैं ना भाई फर्नेस में। ओके तो ये स्टेयर्स यूज़ कर देते, क्योंकि इसका अभी कुछ भी यूज़ नहीं है अपने को। तो ये निकाल के देखते हैं भाई, आयन, रॉ आयन को निकाल के देखते हैं। रॉ मतलब ये इसका मतलब मेन पार्ट आएगा शायद से। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपना आयन इनगट आ चुका है एक,
और दो आ जाएंगे शायद से। तो अभी ऐसा आयन आता है भाई, ये मेरे को मालूम नहीं था, ये पहली बार ही देखा है मैंने। ओके तो इसको निकाल लेते हैं अभी, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ओके तो भाई सबसे पहले अपना आयन ब्लॉक आ चुका, मतलब दो आयन इनगट आ चुके, ब्लॉक नहीं भाई। ऑल राइट गाइज, तो आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा भाई, मतलब हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें बिल्ड नहीं की, बट बहुत सारी नई चीज़ें हमें मिली। और सबसे मेन चीज़ भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मशरूम काउज़ या फिर जो भी इनका नाम है वो अपने पास आ चुके हैं फाइनली, और वो भी दो दो भाई, मतलब बहुत ही गदर चीज़ है भाई ये। और हमने फार्मिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी जितनी भी अपने पास सीड्स थी उससे। चलिए गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, अगले वाले एपिसोड में हम बहुत ही नई नई चीज़ें बिल्ड करेंगे, मतलब अपना ये जो वर्ल्ड है इसको और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे, और अपने एनिमल्स के लिए बहुत ही सही चीज़ बनाएंगे, क्योंकि अभी तक उनका फीड नहीं आया तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, वो मेरी सुनेंगी नहीं। और वो एक दो नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं वो। तो चलिए गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है अगली वीडियो में, till then goodbye fearless